हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप बाय स्टेप गार्डनिंग। फ्रेंड देखिए, ये एक बहुत प्यारा सा पीस लिली का प्लांट है जिसकी केयर आप लोगों से मैं शेयर करने वाली हूँ आज। बहुत खूबसूरत होता है ये प्लांट, इसकी कई वैरायटी आती है नर्सरी पे। तो मेरे पास ये एक प्लांट है, 1 ईयर ओल्ड है फ्रेंड ये प्लांट। लास्ट ईयर मैंने लिया था तो काफ़ी फ्लावरिंग की थी इस पीस लिली के प्लांट ने मेरे गार्डन में। और बाई मिस्टेक ये इसका जो पॉट था वो टूट गया था। आपको एक सिंगल बड़ी सी लीफ दिखी होगी, बट ये बहुत हेल्दी प्लांट था, बहुत हेल्दी, बहुत बुशी। और लास्ट ईयर भी इसने बहुत अच्छी फ्लावरिंग की थी, लेकिन पूरा पॉट ही गिर के टूट गया था बाई मिस्टेक। तो एक्चुअली उसे एक बिल्ली ने जंप कर दिया था, तो पूरा पॉट गिर के टूट गया था और प्लांट भी सारे डैमेज हो गए थे। तो बस कुछ ही ब्रांचेस बची थी, ये दो ब्रांचेस सिर्फ ओल्ड हैं, बाकी ये सारे न्यू ब्रांचेस बन के आई हैं इस समर में। तो ये पूरा प्लांट बुरी तरह से डैमेज हो गया था और ऐसी अनगिनत लीव्स थी, काफ़ी बुशी प्लांट था। तो फिर मैंने इसे, एक छोटा सा ही प्लांट बचा था, तो मैंने बड़े पॉट को हटा के एक छोटा सा 6 इंच का पॉट दे दिया है। तो इसमें भी ग्रोथ हो गई है, काफ़ी सारी न्यू ब्रांचेस बन के आ गई हैं। अब ये जैसी थोड़ी सी ओल्ड होंगी तो इसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये ब्रांच ओल्ड था लास्ट ईयर का, तो इसमें फ्लावरिंग हो गई। प्लांट जब थोड़ा ओल्ड होता है तभी उसमें फ्लावरिंग होती है, और जब ओल्ड होता है तभी उसमें न्यू ब्रांचेस बन के आती है। जैसे मेरे प्लांट में आ गई हैं कई सारी न्यू ब्रांचेस। तो ये बहुत खूबसूरत प्लांट होता है, इसकी ग्रीनिश भी अच्छी लगती है, एज अ शो प्लांट भी ये यूज़ होता है। और जब फ्लावर खिलते हैं तो फ्लावर की ब्यूटी का तो कहना ही क्या, बहुत खूबसूरत होता है। फ्रेंड इसकी अच्छी बात क्या है कि ये जो बाकी जो फ्लावर्स खिलते हैं कुछ टाइम में स्पेंट हो जाते हैं, बट ये फ्लावर स्पेंट ही नहीं होता। एक बार आपके गार्डन में खिल गया ना तो काफ़ी टाइम तक, लॉन्ग टाइम होता है, इसकी लाइफ बहुत लॉन्ग होती है। ऐसे ही एज इट इज़ खिला रहता है, और धीरे धीरे जब ये ओल्ड हो जाता है, पुराना बहुत समय हो जाता है इसको खिले हुए, तो इनकी जो ये जो वाइटनेस है ना इसकी, ये ग्रीनिश होने लगती है। धीरे धीरे ये फ्लावर का कलर चेंज होने लगता है, बट ये स्पेंट होके गिरता नहीं है। तो फिर आपको ही फाइनली इसे कट करके यहाँ से हटाना पड़ता है। तो ये जो फ्लावर है बहुत ज़्यादा अच्छा होता है आपके गार्डन के लिए, और इसकी ग्रीनिश देख लीजिए। तो इसे लोग इनडोर आउटडोर दोनों ही यूज़ करते हैं। इनडोर रहता है तो थोड़ा ऐसी जगह पर रखिए जहाँ हल्की सी सनलाइट मिले, ताकि ये अच्छे से ग्रोथ कर सके और फ्लावरिंग कर सके। इंडोर भी चल जाता है, बट सनलाइट की नीड होती है बहुत कम। और आउटडोर रखते हैं तो ये एक ह्यूमिडिटी लाइक प्लांट है। कुछ प्लांट के साथ रखिए, शेमी शेड में रखिए, पार्शल शेड को ये लाइक करेगा। तो अगर आप सनलाइट में रख देते हैं ना तो ये इनकी लीव्स बर्न होने लगती है, इनकी एजेस बर्न होने लगती है। देखिए मेरे प्लांट की लीव जो एजेस हैं वो बर्न नहीं है, क्योंकि मैंने इसे ग्रीन नेट के नीचे रखा हुआ है। तो पूरे दिन ये ऐसी हरी भरी सी सुंदर सी रहती है। अब धूप में रखने से क्या होता है, जो ग्रीनिश दिख रही ना वो येलोइश हो जाएगी, ये पूरा लीफ जल जाता है, येलो कलर का हो जाता है, और ये जो एजेस है वो भी जल जाती हैं। तो देखने में भी ब्यूटीफुल नहीं लगती और ग्रोथ पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये शेमी शेड प्लांट है, तो पार्शल शेड में रखें इसे। 1-2 घंटे की हल्की सी धूप मिले, इनडायरेक्ट सनलाइट मिले, तो ही ये ग्रीनिश रहेगा, अदरवाइज ये प्लांट का कलर चेंज हो जाएगा, जो कि देखने में ब्यूटीफुल नहीं लगेगा। तो बस फटाफट मैं इसकी केयर की बात कर लेती हूँ। जब मैं लास्ट ईयर से लेके आई थी तो मैंने जो इसकी सॉइल तैयार की थी उसमें एक हिस्सा गार्डन सॉइल लिया था, एक हिस्सा कंपोस्ट लिया था, और एक हिस्सा मैंने इसकी सॉइल में सैंड यूज़ किया था। देखिए आपको अभी भी सैंड दिख रहा होगा, तो सैंड यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। सैंड यूज़ करने से सॉइल जो होती है वो वेल्ड्रेन तैयार होती है। तो सैंड यूज़ ज़रूर करें आप जब भी किसी भी प्लांट की सॉइल मिक्सचर तैयार करते हैं। तो मैंने इस तरह से लगाया था, और अच्छी क्वांटिटी में आप इसमें प्लांट के हाइट और हेल्थ के अकॉर्डिंग आप इसमें कंपोज ऐड कर देते हैं। तो कंपोज डालने की वजह से प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करता है और अच्छी फ्लावरिंग करता है। मेरा प्लांट भी छोटे से पॉट में है, छोटा है बट अच्छी ग्रोथ कर रहा है। तो आप इसमें जितना बड़ा प्लांट है ना उसी के अकॉर्डिंग अंदाजे से ही कंपोज यूज़ करें। छोटे से प्लांट में ज़्यादा कंपोज डालेंगे तो भी वो जल जाएगा, बुरी तरह से बर्न हो जाएगा। तो जितना बड़ा प्लांट है उतना ही यूज़ करेंगे। और सनलाइट मैंने पहले ही बता दी, इंडोर आउटडोर दोनों चलता है। इंडोर सनलाइट हल्की मिलनी चाहिए और आउटडोर में भी इसको हल्की ही सनलाइट चाहिए। सनलाइट की रिक्वायरमेंट बहुत ही कम है इसकी,
वाटरिंग का ध्यान रखेंगे, अदरवाइज इसमें क्या, देखिए कल मैंने इसे शावर दिया था फ्रेंड्स, शावर भी दिया कीजिए इसे, क्योंकि जो समर होता है समर में सभी प्लांट को, फूलों वाले प्लांट को तो नहीं दे सकते, बट जितने शो प्लांट होते हैं और ये इनकी लीव्स भी बहुत खूबसूरत होती हैं, तो आप इन्हें समर में वीकली शावर देंगे ना तो लीव्स भी क्लीन रहेगी जैसे मेरे प्लांट की है, और ग्रीनिश भी बना रहेगा, और जो प्लांट होते हैं बहुत रिफ्रेश फील करते हैं, तो पूरे समर में आप वीकली इन्हें शावर देंगे। कल शावर दिया था तो सॉइल इसकी काफ़ी गीली दिख रही होगी, तो जब सॉइल गीली हो तो आप इसमें वाटरिंग ना करें, पानी को अच्छे से ड्राई हो जाने दें, उसके बाद वाटरिंग करें, अदरवाइज इसमें जो क्या होता है ज़्यादा पानी देने से देखिए ये जो इनकी जो रूट्स है ना वो गलने लगती हैं, यहाँ से लीव्स इसकी गलने लगेंगी और पीली होके ब्राउन होके ख़राब हो जाएगी, तो एक्सेस वाटर ना करें, कम वाटरिंग करें इसमें, जब मिट्टी ऊपर की लेयर ड्राई दिखती है तो आप उसमें वाटरिंग करें, अगर ऐसे मिट्टी गीली है तो फिर उसमें वाटर ना डालें, सनलाइट में तो इसे रखना नहीं है इसलिए वाटर ज़्यादा यूज़ नहीं होता इस प्लांट में। फर्टिलाइज़र में क्या यूज़ करती हूँ फ्रेंड, ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, इसे फ्लावरिंग करनी है समर में, विंटर इसका डॉर्मेंसी टाइम होता है ना, ये ग्रोथ करता है ना ही फ्लावरिंग करता है, अब जब समर स्टार्ट हुआ था तो मैंने जनवरी में ही इसमें मिट्टी की गुड़ाई करके कंपोज ऐड कर दिया था और एक मुट्ठी नीम खली डाल दी थी ताकि कोई फंगस वगैरह ना लगे। कंपोज में आप क्या यूज़ करेंगे, इसमें आप मिट्टी की गुड़ाई करके काउ डंग कंपोज यानी जो गोबर की खाद होती है या वर्मी कंपोज जो केंचुए की खाद आती है वो इसमें डाल सकते हैं लिक्विड फॉर्म या पाउडर फॉर्म में एज यू लाइक, और इसमें फ्लावरिंग के लिए आप इसमें कुछ लिक्विड फर्टिलाइज़र डालेंगे। मैं सभी जो शो फ्लावर प्लांट होते हैं उनमें लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती हूँ, उसका वीडियो मेरे चैनल पे अवेलेबल है, हाउ टू मेक लिक्विड फर्टिलाइजर, मैजिक लिक्विड फर्टिलाइज़र फॉर ऑल टाइप्स ऑफ प्लांट, तो आप देख सकते हैं कि दो तीन तरह के मैजिक फर्टिलाइज़र मैंने बना के बताया हुआ है, वो वीडियो आप ज़रूर सर्च करके देखें, और उसमें मैंने अनियन पील, ऑरेंज पील और बनाना पील फर्टिलाइज़र कैसे बनाते हैं, कैसे यूज़ करते हैं वो बताया है, तो आप भी उसे उस वीडियो को देख के ऐसे बना सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उन्हें ये जो तीनों जो फर्टिलाइज़र है ना बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं, मैं खुद भी यूज़ करती हूँ, तो आप इसे 15 से 20 दिन में एक बार कम क्वांटिटी में प्लांट के अकॉर्डिंग, जैसा प्लांट है उसके अकॉर्डिंग आप इसमें वो लिक्विड फर्टिलाइज़र डालेंगे तो आपके प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती रहेगी और साथ में ढेरों फ्लावरिंग होगी, प्लांट बुशी रहेगा और ज़्यादा ब्रांचेज होंगी तो ज़्यादा फ्लावर्स खिल के आएंगे, तो बस ये है फर्टिलाइज़र। मेरे प्लांट को 1 ईयर कंप्लीट हो गया है बट इसमें मैंने कोई पेस्ट वगैरह नहीं देखा, फिर भी आप इसमें जब मिट्टी की गुड़ाई वगैरह करते हैं तो उसमें थोड़ी सी नीम खली डाल दें तो पेस्ट वगैरह के चांसेस रहते ही नहीं हैं, और बाय चांस आपके प्लांट पे पेस्ट वगैरह लग गए हैं तो प्लीज़ आप उसमें नीम ऑयल का हल्का सा स्प्रे कर देंगे ना तो भी ये जो पेस्ट हैं वो हट जाते हैं, प्लांट आपका क्लीन हो जाता है, तो बस ये इसकी छोटी छोटी केयर है और ज़्यादा केयर करने की इसकी नीड नहीं होती, बस शेडी प्लेस पे रखेंगे, लिमिटेड वाटरिंग करेंगे और फर्टिलाइज़र टाइम से देते रहेंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा और फ्लावरिंग करेगा, बहुत खूबसूरत फ्लावर्स होते हैं, एकदम से अट्रैक्ट करते हैं, तो आप भी इसे अपने गार्डन में ज़रूर जगह दें। ये इसकी कंप्लीट केयर थी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़िएगा ताकि आगे भी जो मैं वीडियो बनाऊं वो आप तक इजीली पहुंच सके और उसे देख के आप अपने गार्डन की प्लांट की केयर कर सकें। जल्दी ही किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपसे मिलती हूं, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।